थैंक यू सो मच। आई थिंक 24 घंटे है तो 22 तारीख शाम से 7 बजे स्टापलिस पर हमारा शो आ रहा है करण संगिनी। एंड हमने बहुत ही मेहनत की है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया है। एंड आई एम श्योर आपको जब आप वो शो देखोगे तो आपको दिखेगा वो सब चीज़ें। एंड आई होप आपको इन्जॉय, आई होप आपको शो पसंद आएगा। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा है अब तक एंड डेफिनेटली आगे भी रहेगा। अर्जुन के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ तो आज तक अर्जुन जब भी आपने देखा है तो अर्जुन को एज योद्धा देखा है, एंग्री यंग मैन देखा है, या वही वैसी उसी रूप में देखा है। बट हम करण संगिनी में अर्जुन की एक और साइड एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो है रोमांटिक साइड। कि अर्जुन की जो लव स्टोरी थी वो उसके बचपन का एक प्यार था उर्वी, ये बेसिकली उर्वी एक फिक्शनल कैरेक्टर है मैं कहता हूँ। एंड ये लव स्टोरी जो है जी, ये लव स्टोरी एक फिक्शनल लव स्टोरी है। तो बेसिकली एक फिक्शनल लव स्टोरी रियल सेटिंग है, जो महाभारत का एक्चुअल सेटिंग है उसमें हमने एक ये फिक्शनल स्टोरी चलाई है। एंड ये थोड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, एक अपने आप में एक्सपीरियंस है, एक्सपेरिमेंट भी है, तो आई थिंक आपको मज़ा आएगा। ये बहुत ही अमेजिंग रहा है। जो मेरी कोस्टार है तेजस्वी, हमने काफ़ी सारे सीन्स साथ में किए बिकॉज अर्जुन और उर्वी बचपन के दोस्त हैं। तो मतलब अगर मैं आपको फिल्म्स के रेफरेंसेस दूँ तो जैसे करिश्मा कपूर और शाहरुख खान दिल तो पागल है मैं बिल्कुल बचपन के दोस्त थे, वैसे ही कुछ ये दोस्त है और हमेशा साथ रहे हैं। तो पूरे शहर को या पूरे हस्तिनापुर को, पूरे राज्य को लगता है कि इन दोनों का ही विवाह होगा साथ में। और पर आगे जाके जब हालात बदलते हैं तो क्या होता है, कर्ण से उसका विवाह होता है या नहीं होता, तो वो चीज़ें हैं आप धीरे धीरे शो में एक्सप्लोर करें। हमने कॉस्ट्यूम में एक्चुअली काफ़ी ज्वेलरी पे कॉन्सेंट्रेट किया है। कपड़ों में तो आप देखो ये धोती और ये दुपट्टा, बस दो चीज़ें। बटे दुपट्टे पे भी आप देखोगे तो तोते बने हुए हैं। ज्वेलरी में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा शोल्डर पीस है, सोने का जनेऊ दिया हुआ है, जो मणि है सोने का जनेऊ है। जो क्या बोलते हैं हम, जो ये तो ये वाली जो ज्वेलरी वाली पीस है उसमें देखिए आप तीर बने हुए हैं, मेरा जो बंदाना है उसमें तीर बने हुए हैं। ये जो रिंग है वो लोटस से इंस्पायर्ड है। तो ये सारी चीज़ें हमने कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेके और सिंबलाइज कर रही हैं कुछ ना कुछ चीज़ें। तो बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स पे भी ध्यान दिया है हमारे स्टाइल्स। आई थिंक हर सीन में कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं हम, कुछ ना कुछ अलग कर रहे हैं। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है हर सीन में करते हुए, बिकॉज कोई ऐसे रिपीटेटिव सा सीन नहीं आ रहा। तो ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। रोज़ सुबह जब उठ के आते हैं तो कुछ नया करने मिलता है। तो आई थिंक हर चीज़ हम इन्जॉय करें, और जब तक आप हर चीज़ इन्जॉय करते रहोगे तभी मज़ा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अब तक कर्ण और अर्जुन ने एक ही बार लड़ाई की है जब शक्ति प्रदर्शन होता है उनका, और तब आके कर्ण जब चैलेंज करता है। बट उसके बाद में मेरे और कर्ण के भी कुछ सीन्स हुए, जब आमने सामने महल में जब आ जाते हैं तो वो उनके भी सीन्स काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन है। जब मतलब आप सिर्फ आँखों से लड़ते हो, ना शब्दों से ना शस्त्र से, बट आँखों से लड़ रहे हो, तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन्स रहे और बहुत मज़ा आया वो सीन करते। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि 22 तारीख से 7 बजे जब शो आएगा आप लोग रोज़ बैठ कर देखिए। एंड मुझे पता है कि आपको शो पसंद आएगा, तो आप बताइए आपको कैसे लग रहा है शो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और बता सकते हो।